पत्नी की जान लेने के इल्जाम में पति काट रहा था 7 साल से जेल की सजा। इधर पत्नी प्रेमी के घर मिली जिंदा। पति 3 साल से था जेल में, फिर हुआ मालूम जिसके लिए मिली है सजा वो तो जिंदा है। पत्नी ने कहा पति नहीं था पसंद तो चली गई। इधर पति 3 साल से था सलाखों के पीछे, पति के दोस्त ने भी 1 साल तक काटी सजा। सालों बाद मिली पत्नी जिंदा, जिसके इल्जाम में पति ने बिताया जेल में वक्त। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां इंसान जिंदा है फिर भी उसे मारने के इल्जाम में कोई काट रहा है सालों से सजा। अब तक ऐसी कहानियां फिल्म और सीरियल में ही दिखती थी, वैसे सीरियल से जहां नकली होती है पर सजा असली हो जाती है। खैर ये होती है पटकथा, इधर हकीकत में बनाई स्टोरी काम कर गई है। पता भी नहीं चला कि पत्नी जिंदा है, जिसे मारने के इल्जाम में पति 3 साल, तो पति का दोस्त 1 साल से जेल में है। ये अजीबोगरीब मामला आया है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा में हुआ कुछ यूं कि एक विवाहिता स्त्री अचानक गायब हो गई, जिसके बाद उसकी मृत्यु की आशंका जताई गई, लेकिन शरीर कहीं नहीं मिला। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद स्त्री के पति और पति के दोस्त पर उसकी जान लेने का आरोप लगा। दोनों को इस मामले में सजा हुई। पति को 7 साल की सजा सुनाई गई, वे पिछले 3 साल से जेल में था। वहीं अब मालूम हुआ कि जिस पत्नी की जान लेने के इल्जाम में वो जेल में बंद था वो जिंदा है। बताया जाता है कि सूरज प्रसाद की 24 साल की बेटी आरती 5 सितंबर 2015 को लापता हो गई थी। इस मामले में आरती के पिता ने सोनू भगवान सिंह व अरविंद के खिलाफ उनकी बेटी की जान लेकर उसे गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। सोनू लगातार खुद को बेकसूर साबित करना चाहता रहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। 3 साल के जेल की सजा के बाद उसे जमानत मिली। सोनू ने बाहर आकर पत्नी की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार सोनू सफल रहा, उसने पत्नी आरती को ढूंढ निकाला। सोनू को मालूम हुआ कि आरती ने दूसरी शादी कर ली है, वो प्रेमी के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही है। सोनू ने मथुरा पुलिस को पूरा वाक्या बताया। वहीं महिला के जिंदा होने की खबर लगते ही पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने आरती के जिंदा होने की खबर सुनकर आनन फानन में खोजबीन शुरू की। आरती को दौसा से बरामद कर लिया गया। वो पिछले कई सालों से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। आरती से ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि उसे अपना पति पसंद नहीं था, इसलिए उसने पति को छोड़ दिया। अब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरती के जिंदा रहते हुए भी किस बिना पर सोनू और उसके मित्र को सजा सुनाई गई, किन सबूतों के आधार पर अदालत ने सजा मुकर्रर की। सवाल आरती के पिता सूरज प्रसाद से भी किया जा रहा है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। आरती के माता पिता दोनों से ही पूछताछ की जा रही है।